जो सामने वाला पल्ला है कमर का सेधा ऊपर वाले नु इस तरह वखरा करके इस तरह सुझा लेना है। ध्यान करना है कि इदा विच भी किसी प्रकार के वाल ना हो। ध्यान करना है कि पल्ला साढ़े मुख नु ना लगे, नक वगैरह न लगे। आप मूंह पासे करके इस तरह तू जरा सी ये सारे वाल इस तरह कढ़ के इतने हाथ के सहयोग के नदु सचे पास पुर सुझा देना है। ये सारे वाल जड़े ने ध्यान लाभ ये कढ़ने हैं। उपर वध्या होया जो पले का पासा है हिस्सा है इसनों इस तरह सतगुरु जी के उपर यों मोड़ करके ये सजा देना है। बाला फिर ध्यान करना है। हूँ पहला कमर कसा सतसंग जी इस तरह बिना मारे पर संतोखिया गया है। सज्जे वाला पासा पला लैके उस तो बाद सामने वाला खब्बे पासे वाला फिर आपके पासे वाला। हूँ दूजा कमर कसा हूँ जो ये लैना है तो सामने वाला पला जरा है उपर लगना है कमर किसी का सामने वाला हिस्सा इस तरह नाल बात कढ़ के सतगुरु सच्चे पासे उपर इस तरह जरा है संदूक खड़ा है। ध्यान इस तरह करना है कुछ वाल ना रवे। ये जड़े कमर कसे ने नाल सतसंग जी चंगा है कि रोज़ दे रोज़ बदले जान ते प्रेस किए जान ते धोते जान सफाई हो ना कि तुसी कई कई हफ्ते जा महीनिया बदी इन्हों कमर कसा बदले ना ते लैले हो। इस तरह हूँ ये पला जरा है जो सामने वाला पला उपर आ गया हूँ फिर उस तरह सज्जे पासे तो शुरू करना है। फिर उस तरह भी विधि है सारे वाल जड़े ने इहदे विच भी नहीं होने चाहिए। वाल चंगी तरह कढ़ के मारचे पासे तो इस पले नूं इस तरह मोड़ना है सज्जे पासे वाला। हुण खब्बे वाले पासे वाला जो पला है इसनूं इसदे उपर लै आउणा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਪੱਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਲ ਆਦਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੂਰੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ वाल जड़े ने सारे कर लेंगे ये पूरा तकोना बन जाता। फिर इतने हाथ रख के पास चे पास आई उपर इस तरह चपले लै आना है। फिर इस तरह ये वाल सारे ठीक करके बढ़िया होया पला कई इस वीर कई कुछ संगत इस पलन बिच टंग देंगे ने सो वो नहीं ठीक रीती बिच नहीं टंगना। ये जो वादा मूहरे पला है इसनों इस तरह से उसके पास के उपर फिर यों बोल करके सजा देना है। हाँ फल जो ने ध्यान रखना है कि वाल आपने ठीक रखने जिते इस तरह सतगुरु चे पातशाह जी दे दोवें कमर कसियां दे विच सतगुरु महाराज जी नूं संतोखिया जांदा है। फिर जिहड़ी पलक है फिर महाराज चे पातशाह दे उपर फिर सजा देनी है। जदों इह पलक सजा है फिर उपर वाले नूं माला देना है इक उपर माला सतगुरु जी दे उपर फिर इह माला पा देना है।
ध्यान करना है इस वीर माले में अपने कोई पैर वगैरह नहीं लगने चाहिए तो हेठा नहीं धरती लगना चाहिए। इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इन्हों कमर कच्छा रुमालिया में सजा करके संतोखिया जाता है जी। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी इस तरह संतोखे जाते हैं फिर गुरुका ग्रंथी सिंह जिहड़ा है इस सेवा का जो नाल 24 साल के पाठ हुए ने सेवा की है अरदास की जाती है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप जी के सुखासना की सेवा की है 24 साल के पाठ किए ने सेवा निभाद्या को पाठ करद्या को अपने सुखों की खेमा करना अरदास करनी है तो जे राती समय की अरदास है उस समय सतगुरु हजूर शुकराना माजदा करी सच्चे पातशाह चार पैर दिन तेरे पाने में गुजर होया है आप जी का कुरतान को शुक्र है रात आई है सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप जी ने बख्शिश करनी पाने में गुजर करवानी अमृत वेल के जागरण बख्शिश करने फिर इस तरह संगतान को दर्शन देकर अमृत वेल निहाल करना जी और सुख रूप चली है अरदास दसे पासियों के नाम लै करके अरदास की जाती है। तो जे सतगुरु सच्चे पातशाह जी किसी ग्रह तो किसी के घरों गुरदा साहब फिर इस तरह मारे सवारे लैके आने ने तो फिर उस संबंध में अरदास की जाती है सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप जी कृपा सदका सेवकों ने ग्रह पवित्र किया भाग लाए ने हुण सच्चे पातशाह जी गुरु के सिंह पंज त्यार ने गुर स्थान वास्ते निज स्थान जाने वास्ते आपके सवारे लैके जाने लई सतगुरु सच्चे पातशाह जी रस्ते बाद घाट आप सहाई होयो अपने अद आप करवायो जी तो फिर सतगुरु सच्चे पातशाह सवारे निज स्थान श्री गुरुद्वार साहब लैके जाने वास्ते पंच सिंह जिहड़े ने जरूर होने चाहिए ने। कई बार ऐसी कमजोरी आ जाती है कि पंच सिंह नाल नहीं लैके जाते दो जां तीन सिंह ही जिहड़े ने इस तरह माचे पातशाह स्वरूप में लैके जाने का यत्न करते हैं सो वह पूरा अदब नहीं है। जदों माचे पातशाह सवारे गुरुद्वारा साहब तो घर लैके आने ने तो घर तो गुरुद्वार साहब लैके जाने ने तो पंच सिंह का होना बहुत जरूरी है नाल नाल अगे अगे सत्कार के नाल जल सकना है तो जदों भी जिस गड्डी दे विच लैके जाने ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी बेहतर होवे कि गुरु घर दे विच जो गुरुदास साहब वालों योग प्रबंध किए गए ने महाराज जी के वास्ते स्पैशल गड्डिया ने तो उन्होंने ही लैके आने का यतन होवे तो वह भी बहुत सत्कार के नाल महाराज सच्चे पातशाह जी का सत्कार कायम रहिंदा है। सो इस तरह इन्होंने गलों का सारा ध्यान करना है जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी।